अब इस सेक्शन में हम आपके जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे और उनके आंसर्स आपको बताएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपने उन्हें डिफरेंस बताना है कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अपने पेज को और डिफरेंसेस दोनों तरफ लिख सकते हैं, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप जो पहला कॉलम है दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा वाला जो है वो ब्रीदिंग है। तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताएंगे कि वो है क्या, कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं फूड में ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और उसके थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ब्रीदिंग जो है वो क्या है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक इन एयर इन द बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर आपने थोड़ा सा और भी लिखना है तो दो पॉइंट्स मैंने आपको और भी बताए हुए हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जबकि ब्रीदिंग इज़ ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है और ब्रीदिंग में नहीं हो रही होती। तो ये तीन पॉइंट्स अगर आप कवर कर दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रेस द पैथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने सिंपली ये बताना है कि एयर कहाँ से होके किधर होके एल्वियोलाई तक पहुँचती है। तो जब हम एयर पैसेज पे पढ़ रहे थे तो एक डायग्राम में मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी एरोस के साथ कि कहाँ से एयर शुरू होती है और कहाँ पे जाती है। तो वो पाथ मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। हम नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं, नेज़ल कैविटी में से होती हुई एयर फेरिंक्स से गुजर के लेरिंक्स में जाती है, लेरिंक्स से एपिग्लॉटिस, वहाँ से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलर डक्ट से जो है वो एल्वियोलाई के पास चली जाती है। तो ये पूरा एक पैसेज है जिससे एयर हमारे नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोलाई तक पहुँच जाती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड अ लेंटिसल। अब स्टोमा जो है वो स्टोमेटा को कहा जाता है। स्टोमा इज़ बेसिकली द ओपनिंग और स्टोमेटा उसके अंदर वाला एक स्ट्रक्चर है। अब इसके आंसर के लिए हम स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वी हैव स्टोमेटा ऑन वन साइड एंड लेंटिसल्स ऑन द अदर। अब हम सबसे पहले बताएंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं एंड वेयर आर दे प्रेजेंट। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मस ऑफ द लीफ, जबकि हम लेंटिसल्स की बात करें तो दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ वुडी एंड हार्ड स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो इनकी लोकेशन में आ जाता है कि स्टोमेटा लीव्स पे और लेंटिसल्स जो हैं वो स्टेम्स पे होते हैं। दूसरा डिफरेंस है के जो स्टोमेटा हैं वो गैशियस एक्सचेंज में, ट्रांसपायरेशन में और रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट और वाटर में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि लेंटिसल्स जो हैं उनका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि दे ओनली अलाउ एयर टू पास थ्रू देम एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये इनके फंक्शन में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। स्टोमेटा आर मोर टूवर्ड्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस, लेकिन लेंटिसल्स जो हैं वो थोड़ी लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव द लास्ट डिफरेंस दैट इज़ स्टोमेटा के पास जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं, जबकि जो लेंटिसल्स हैं उनके पास गार्ड सेल्स नहीं होते। और गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसी के थ्रू बेसिकली स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल हो रही होती है एंड दैट मैकेनिज्म इज़ एब्सेंट इन लेंटिसल्स। तो इस तरह से ये तीनों डिफरेंसेस आप इन दोनों के दरम्यान में लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर short question. So I have tried my level best to explain each and every question and their answers in detail. This is your biology instructor Zain ul Arfeen from tutoria.pk.